हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो मैं उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ, आप सब जानते होंगे हर जगह ये किसी न किसी रूप में होता है। तो ये है हमारे यहाँ मड़वा बना हुआ है, तो ये मंडप की तरह बनता है और उस पे ही जो जनेऊ संस्कार होते हैं जिस लड़के की और उनके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उन सब की क्लिपिंग मैं आज बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो ये वो लड़का है जिसका जन्म होने वाला है, तो मैंने क्लिपिंग में दिखा दिया आप लोगों को। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि नाइट से ही मड़वे को सजाया जाता है और मैं ये स्टार्टिंग से ही आप लोगों को ये वीडियो शेयर कर रही हूँ जन्म तक के लास्ट तक का। हमारे यहाँ कुमड़म और जन्म दिन बहुत सारे विध होते हैं, तो ये कुमड़म दिन की क्लिपिंग है। भगवती को भोग लग रहा है, भगवती को प्रसाद चढ़ाया जा रहा है और चूँकि ये हमारे घर का फंक्शन है तो हम सब कुलदेवी भगवती जो हैं उनके घर के अंदर आ चुके हैं और सब कोई प्रणाम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्हें भोग लगाया जा रहा है और चुनरी जो है सामने में उनके ठीक सामने लगी हुई है रेड कलर की, और ये चमचमाती चुनरी इनको चढ़ाया जाता है आज ही के दिन और इसी समय, और उसके बाद इनको भोग लगता है। भगवती को भोग लगाने के बाद सबको लेक पोखर के पास जाया जाता है, पोखरी जहाँ पे पानी होती है, और पानी के पास घाट के पास बहुत सारे विध होते हैं, तो वो क्लिपिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कितने सारे लोग हम सब आ चुके हैं घाट पे, पानी के घाट पे, और यहाँ मंदिर भी है बहुत अच्छा। और ये मैं गौरी शंकर महादेव मंदिर है, शिवलिंग मैं उनको पूजा कर रही हूँ। और उसके बाद ये सामने आप बड़ुआ को देखेंगे, यहाँ सारे घर के मेम्बर्स बैठे हुए हैं और बीच में बड़ुआ है, लड़का है जिसका जनेऊ कुमड़म होने वाला, क्योंकि आज कुमड़म है। एक दिन पहले जनेऊ की क्लिपिंग है। इधर बैठ गई। बड़वा ना भी होनी चाहिए, नीचा आओ ना। मैं फोटो देने का काम है। गिरोगी
रहो, भैया वही खड़े होकर लेते रहो, फोन ही गिरा दोगे तुम। मछली भी है अब यहाँ मैं जनू के दिन का क्लिपिंग शेयर कर रही हूँ। ये जनू हो रहा है, जनू में ये माँ बड़ुआ को भीख दे रही है। जिस तरह से राम भगवान अपने माँ से भिक्षांदे बोल रहे थे, उसी तरह ये बड़ुआ बोल रहा है भिक्षांदे माता श्री, और ये माँ भीख दे रही है। और माँ के भीख देने के बाद हम सब की बारी आती है, और धीरे धीरे हम सब भी भीख देते हैं। तो आप सब जरूर इंजॉय कीजिए और लास्ट तक देखिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ मड़वा पे इधर मैं भीख छान देने के बाद मड़वा पे इन सामानों को मामा जो बड़वा के हैं वो सब एक झोला बना के सारे सामान उसमें रख रहे हैं, और फिर उस झोला को इसी मंडप मड़वा के ऊपर टांग दिया जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि सारे झोले तैयार हो रहे हैं अलग अलग सामानों के लिए, और ये मामा जी सबका काम है, मामा जी ही ये काम करते हैं, और ये विध मामा जी के ही द्वारा किया जाता है, बड़वा के मामा जी के द्वारा। तो बड़वा का मामा ये सारा सामान झोला में रख रहा है, और बड़वा अपनी माँ से भीख लेके फिर अपनी वो बगल में मौसी हैं, माँ के बगल में मौसी हैं, मौसी भी आई हुई हैं, और इधर हम सब हैं, हमारी भाभियाँ सब हैं, बच्चे सब, तो देख सकते हैं आप। मड़वा के चारों तरफ इस तरह एक पर्दे की तरह कपड़े लगाए रहते हैं, जिसके अंदर से ही बड़वा अपने अपने लोगों से भिक्षांदेह बोलता है, और बाहर से ही हम सब, ये देखिए आने वाले लोग सब आ रहे हैं, हमारी दीदी है ये अभी अभी आई है। ये बड़वा का मामा है, रेड कलर का कुर्ता पहने हुए, ये सभी मामा ही हैं, और ये बड़वा को देख रहे होंगे आप कि वो लेके भिक्षांदे बोल के लेके, और इस तरह से सारे मामा एक साथ मिलके उन सामानों को झोला में रख रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप कि किस तरह से रखा जाता है, यहाँ दिख रहा है एकदम क्लियर। मन ही में
यहाँ एक साथ मामा और गंगना का क्लिप भी मैंने ले ली है। और ये देख सकते हैं आप कि ये बड़ुआ का झूला, खाना का जो ये भिक्षांडे का जितना भी सामान था सबका झूला ये टंग चुका है। और अब यहाँ मेन काम हो रहा है, जनों में का सबसे बड़ा मेन काम बाल कटाना होता है, तो यहाँ बड़ुआ का बाल कटने का विध चालू हो चुका है। और ये हजमा है बाल काटने वाले, सैलून वाले, तो ये बाल काट रहे हैं और सारे लोग गाना वाना सब गा रहे हैं बातें। ये दादी है जिसके आंचल में सारे बाल रखे जाते हैं और ये दादी बाल ले रही है। तो इस बड़ुआ का बाल कटने के बाद बड़ुआ को तैयार किया जाता है कपड़े पहना के, और ये छतरी के रूप में ये बांस के बनाए जाते हैं और छाता का ये काम करता है। और इस पर भगवती को प्रणाम करके और बाकी सारे लोगों को प्रणाम किया जाता है बड़ों को।